श्री योग वेदांत सेवा समिति व युवा सेवा संघ भिलाई दुर्ग के तत्वाधान में संत श्री आसाराम जी बापू की सत प्रेरणा से गीता जयंती और तुलसी पूजन यात्रा बैकुंठ धाम कैंप 2 भिलाई से निकाली गई। संत श्री आसाराम जी बापू के अनुयायियों द्वारा गीता जयंती व तुलसी पूजन यात्रा का आयोजन बैकुंठ धाम कैंप 2 भिलाई क्षेत्र में किया गया। यात्रा ने पूरे बैकुंठ धाम कैंप 2 क्षेत्र का भ्रमण किया। इस यात्रा में बैकुंठ धाम कैंप 2 के अलावा भिलाई दुर्ग से हरिओम साधक परिवारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यात्रा में निःशुल्क सत्संग सत्साहित्य ऋषि प्रसाद मासिक पत्रिका का वितरण किया गया। युवा सेवा संगम के शिवा साहू ने बताया कि श्रीमद् भगवत गीता जयंती 3 दिसंबर को है। सभी इस दिन भगवत गीता का पाठ पूजन अर्चन करके विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं और 25 दिसंबर को तुलसी पूजन पूरे श्रद्धा भक्ति से करने से माता तुलसी की विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है। संत श्री आसाराम जी बापू के अनुयायियों द्वारा प्रतिवर्ष आम जनमानस के मन में श्रीमद् भगवत गीता एवं तुलसी पूजन के प्रति भक्ति भाव के साथ जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है और काफी हद तक इसमें सफलता भी प्राप्त हो रही है। ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होने वाले परिवारों में बेहद उच्च संस्कार देखने को मिलते हैं। यह सुप्रचार प्रभात फेरी संत शिरोमणि आसाराम जी बापू आश्रम बेलोदी के तत्वाधान में पूरे बैकुंठ धाम में निकाली गई। इस प्रभात फेरी का मुख्य उद्देश्य था हमारी सनातन संस्कृति आने वाली 3 दिसंबर मोक्षदा एकादशी जो कि गीता जयंती के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को पा करके सभी मोक्ष को प्राप्त करे, यह उद्देश्य था इस रैली का। प्रचार के माध्यम से सभी को गीता का महत्व बतलाया गया। साथ ही साथ 25 दिसंबर तुलसी पूजन दिवस मनाए, ऐसा एक आह्वान संत श्री आसाराम जी बापू ने किया। उस आह्वान को पूरे समाज में उसकी महिमा तुलसी की महिमा को बताते हुए यह सुप्रचार प्रभात फेरी निकाली गई थी। इस प्रभात फेरी में युवा सेवा संघ में नौजवानों को संयमी उद्देश्य दिखाया गया और जिस प्रकार प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा लगाकर उसका पूजन अर्चन किया जाता है, उसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता का पाठ प्रतिदिन करने से मन प्रसन्न चित रहता है और मनुष्य के जीवन में संस्कार का संचार होता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।